नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया। शिवपुरी में कमलनाथ सरकार के खिलाफ माधव चौक पर भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, जिला अध्यक्ष सुशील रघुवंशी, पूर्व करेरा विधायक ओम प्रकाश खटिक, महिला कार्यकर्ता एवं सभी भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों की कर्ज माफी के वादे को पूरा कर पाने में असफल रही। पूर्ववर्ती सरकार की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर लोगों को परेशान किया गया है। भाजपा के कार्यकर्ता यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पूरी दुनिया में ताकत बढ़ी है। देश और प्रदेश की जनता एक बार फिर भाजपा सरकार बनाएगी। कांग्रेस की सरकार की नाकामियों को लेकर प्रदेश की जनता तक, जन जन तक इस भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार के कारनामों को पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित इस आक्रोश धरना और सभा में हमारी मंच पर शिवपुरी से बंटी यादव की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।